आखिर प्रेम में इतना दर्द मिलता ही क्यों है? एक जाल है प्रेम और दिल टूटना, सिर्फ एक कारण है, एक रास्ता है, असल कुछ और ही है, पर लोग रास्ते को ही असल मान लेते हैं। गिलास एक साधन है, पानी पीना मूल कारण है, लेकिन क्या होगा अगर हम पानी को ही भूल जाए और गिलास को ही सब कुछ समझ बैठे तो? ज़रूरी नहीं कि जो बाहर से दिखता है अंदर भी वही है। जैसे कि स्वाद भोजन में नहीं होता, भूख में होता है। हमें हर रोज़ भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, ये एक साधारण क्रिया है जो हम प्रतिदिन करते जाते हैं। किसी दिन कोई विशेष पकवान खाया और हम कहते हैं कि वाह स्वादिष्ट था, ये बाहर से कुछ अनुभव करना, क्योंकि शरीर के बाहर से कुछ खाया है जिसके कारण स्वादिष्ट लगा। यह बाहर की दुनिया, एक तरफ से भ्रम की दुनिया, और लगभग लगभग पूरी दुनिया ऐसे ही हजारों भ्रम में जीती है। अगर सच्चा स्वाद चखना है तो भीतर के स्वाद को चखो। आप एक प्रयोग करें, 2 दिन तक कुछ ना खाए और फिर सिर्फ सूखी रोटी खाए, उस दिन तुम जानोगे कि वाह ऐसा स्वाद भी होता है। ये स्वाद दुनिया का कोई रसोईया तुम्हें ना दे सकेगा, और ना ही ऐसी मिठाई की दुनिया में कोई दुकान है जहाँ पे तुम्हें ये स्वाद मिलेगा, क्योंकि यही स्वाद तो तुम्हारे भीतर का स्वाद है, यही तो परमात्मा का स्वाद है। कुदरत एक एक इशारा कर रही तुम्हारी तरफ कि तुम जागो, कि तुम इंसान हो, तुम कुछ विशेष हो, लेकिन तुम हो कि मानते नहीं। परमात्मा को कितने दखल देने पड़ते हैं तुम्हारे जीवन में, जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारे कितने ही झगड़े होते हैं, कई बार तुम्हें बुरा भी लगता है, पर जिस दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें एकदम छोड़ ही दे, जब तुम्हें लगे कि गई हमेशा के लिए, तब तुम्हें एहसास होगा कि ओह इतना भी दर्द होता है। यह है तुम्हारे अंदर का दर्द। एक बार मैं जूनागढ़ के गिरनार में 10,000 सीढ़ियाँ चढ़कर एक छोटे से मंदिर में दर्शन करने गया था। मैंने करीब 11 बजे चढ़ना शुरू किया होगा और ठीक ठीक 3 बजे ऊपर मंदिर तक पहुँचा। मैं बहुत धीरे धीरे और एकदम थक कर पहुँचा। न जाने रास्ते में मैंने कितना पानी पिया होगा। भगवान का दर्शन तो भगवान ही जाने कैसे मैंने किया होगा, लेकिन मेरे पेट में बैठे भूख नाम का भगवान हल्ला बोल कर रहा था। एक महात्मा संत ने बताया कि प्रसाद लेकर जाना, और इसके लिए थोड़ी और चिड़िया चढ़नी बाकी थी। इस समय मुझे भूख लगी, वो जिसे लगी वही जान सकता है, सिर्फ सोचने से भी वो बात समझी नहीं जा सकती। क्योंकि अगर मुझे कोई कहता कि इतनी चिड़िया चढ़ने से बहुत भूख लगती, तो मैं भी कहता कि हाँ ठीक है भाई भूख लगती, पर मुझे लग रहा था कि भूख से मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है। मैं प्रसाद परिसर में गया और मैंने सिरे के प्रसाद का पहला निवाला मुंह में रखा। वो अद्भुत स्वाद था, आज तक मैंने महंगे से महंगे होटलों में वो स्वाद नहीं पाया। ऐसे अनुभव हमारे साथ जीवन में कई बार होते हैं, लेकिन हम उन्हें समझने की कोशिश मात्र भी नहीं करते, नहीं तो हमारे जीवन में कोई परेशानी और कोई तकलीफ रहती ही नहीं। और जब हम ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से नहीं समझते, तो कुदरत कुछ ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि वो चाहता ही है कि तुम्हारा पूरी तरह से कल्याण ही हो। जैसे कि तुम सबसे ज़्यादा जिनसे प्रेम करते हो वही तुम्हें छोड़ के चला जाता है, कोई धोखा देकर चला जाता है, हम रो लेते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन देखने की ज़रूरत है मन की आँखों से, समझने की ज़रूरत है भीतर की आँखों से कि क्यों हुआ, मेरे साथ होने का क्या कारण है। अवश्य वजह रही होगी, बाहर की नहीं अंदर की वजह रही होगी। मज़े की बात तो ये है कि हम कोशिश बाहर ढूंढने की करते हैं तो हमें बाहर से ही कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि बाहर भी एक अस्तित्व है और अंदर भी, इसलिए बाहर का जवाब हम ले लेते हैं और अंदर का हम छोड़ देते हैं। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ था उसका एक ही मात्र कारण रहता है कि शायद तुम इस बार इस घटना का जवाब ढूंढने अंदर उतरते तो जवाब के साथ साथ तुम अपने को भी जान लेते, फिर इस संसार में कुछ और जानने लायक तुम्हारे लिए रहता ही नहीं। दुनिया के कई दार्शनिकों ने कहा है कि प्रेम भगवान को पाने का, स्वयं को जानने का सबसे आसान रास्ता है, अवश्य ही, लेकिन प्रेम की सीढ़ी से बहुत कम लोग परमात्मा को जान पाते। कोई एक कबीर, कोई एक मीरा, बहुत थोड़े से लोग, क्योंकि मीरा और कबीर एकदम किनारे पे खड़े थे, किसी ने हाथ दिया और चढ़ गए नैया पर, वो सोते हुए भी जाग रहे थे, किसी ने प्रेम नाम की थोड़ी सी आवाज़ दी, उठ खड़े हुए, पर जो लोग जागते हुए भी सो रहे, उठाने से भी उठते नहीं, जगाने से भी जागते नहीं,
कुदरत उन्हें लात मार के जगाने की कोशिश करता है और ये कुश्ती चलती रहती है। ऐसे दुख ऐसी तकलीफ तब तक आती रहती है जब तक तुम जागते नहीं, लेकिन कुछ लोग नहीं जागते। लेकिन ऐसे ब्रेकअप और ऐसे दुखों ने बहुत लोगों को जगाया भी है। तुम्हारा दिल टूटना एक बहाना मात्र है, तुम्हें प्रेम होना भी एक बहाना मात्र है, असल बात तुम्हें जगाना है। प्रेम और दिल टूटना सबसे कारगर रास्ता है। यहाँ से छूके तो कभी जाग नहीं सकोगे। तुमने जाना होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पागलपंती प्रेम में होती है। इंसान कुछ भी भूल सकता है, लेकिन प्रेम के दर्द को मरते दम तक नहीं भूलता। मरते समय भी वो दर्द उसे याद होता है कि जीवन में लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया तो वो याद नहीं रहता। प्रेम में ही इंसान दुनिया के सबसे ज़्यादा सुख का अनुभव करता है और प्रेम में ही इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा पीड़ा का अनुभव करता है। और कमाल की बात, करीब करीब हर इंसान को जीवन में कभी ना कभी प्रेम होता ही है। सवाल है क्यों? क्योंकि कुदरत हर किसी को मौका देता है खुद तक पहुँचने का, और प्रेम सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा दुख की अनुभूति देता है। तो कोई कोई इतना ज़्यादा सुख पाकर उन्हें जान लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख को पाकर।